टीम से डोमिनोज की तरह बिखरेंगे, बट A1 Esports उनके लिए इंपॉर्टेंट फाइट है। आर्चर्स काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है और आर्चर्स के सामने A1 Esports के प्लेयर्स आ चुके हैं। ये फाइट शुरू होती है, RXZ से नॉकडाउन हो चुके हैं। इनोनिक्स ग्रेनेड्स करके टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। 6-9 उनके पास MP5 के, क्या वो इससे फाइट निकाल पाएंगे? सोल कंट्रोल्स अदर साइड RRQ के साथ फाइट ले रहे हैं, सीनियर खेलने आए हैं, फुटबॉल के राउंड को डाउन किया। बट A1 Esports कुछ भी हो जाए इस फाइट में अपनी स्पिरिट्स अपनी होप सब कुछ यहाँ पर जिंदा रखनी पड़ेगी उनको। जी हाँ, बट फिलहाल अगर उनकी पोजीशन की बात करें यहाँ पे कंपाउंड्स के अंदर सीमित है और कंपाउंड्स के अंदर अगर ग्रेनेड्स आते हैं तो फ्लश आउट हो सकते हैं यहाँ पे मोलोटोव और ग्रेनेड्स के द्वारा इजीली। यहाँ पे अगर चाहेंगे तो आर्चर्स उनके अगेंस्ट फाइट ले सकते हैं, बट समहाउ उनको अभी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा जैक्स को रिवाइव करने के लिए क्योंकि योन्स ऑलरेडी काफी आगे जा चुके हैं। यहाँ पे सिनिस्टर अगर ओपनली आते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन तो शायद वो भी टेकन डाउन हो सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे डिले करने की कोशिश कर रही दोनों टीम्स किसी तरीके से। यहाँ पे प्लेयर्स आ रहे हैं, सिनिस्टर को यहाँ पे फाइट लेना पड़ेगा बट इंस्टेंटली अंदर घुस चुके हैं। A1 Esports को यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। यहाँ पे इनोनिक्स और यूनसू साथ ही साथ सिनिस्टर के ऊपर चढ़ने की कोशिश, बट डांटे और 6-9 को देखिए अभी भी स्टिल है, अभी भी शांत है। क्या सिनिस्टर ये 1v2 फाइट निकाल पाएंगे? बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा ये चीज। अगर ऐसा कर लेते तो ऑब्वियसली टीम को जब जरूरत है ये तभी ऊपर आते हुए यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर ये मौका दोनों टीमों के पास काफी बेहतरीन। आज तो अपना जो रंग रूप है उसी को जारी रखेगी, A1 Esports अपनी होप्स यहाँ पर जारी रखेगी। देखते हैं किस हिसाब से फाइट बनती है। A1 Esports उनके पास उस हिसाब से एडवांटेज नहीं है जैसे कि आप प्लेयर्स को यहाँ पर देख सकते हैं। एक अच्छा थ्रोएबल यहाँ पर किया गया था बट उसका डैमेज नहीं पड़ पाया, सिनिस्टर के काफी करीब नहीं था। यूनसु वापस से कोशिश कर रहे हैं बाहर की तरफ को आप देख सकते हैं, लेकिन क्या ये ग्रेनेड सही होगा? सिनिस्टर ही barely survives this one. Med kit लगा रहे हैं लेकिन वहीं से आर्चर्स के प्लेयर्स आउट से किया। अगर वो जो एक प्लेयर थे रशन करते थे वो जरूर कर देंगे एंड यस वो कर चुके हैं। यूनसु स्पॉट करने की कोशिश लेकिन 6-9 ने पूरा रुक बदल दिया है, सुन को डाउन कर दिया है। A1 Esports उनको ये चीज चाहिए, सिनिस्टर ने एक और प्लेयर को डाउन कर दिया है। A1 Esports this wreaking havoc right now. सिनिस्टर बेहतरीन खेल रहे हैं, इनोनिक्स उनके हाथ में ग्रेनेड जरूर था बट देन वो वापस से कैंसिल करके बाहर की तरफ आना चाहेंगे। इसी को ना मूव अवे फ्रॉम अ फाइट आई गेस, नो आगे मूव कर रहे हैं। डांटे को स्पॉट किया जा चुका है, एक प्लेयर को लेकर यहाँ पर जाना चाहेंगे लेकिन ऑफ एंगल से उनको भी डाउन किया जाएगा 6-9 के द्वारा। ये प्लेयर पिछले गेम से जब भी किल्स उठा रहा है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। A1 Esports once again they managed to take this fight off. अब सारी टीम्स को सर्कल के अंदर रोटेट करना पड़ेगा, फुटबॉलिस्ट भी देखते ही देखते डाउन हो चुके हैं। अब A1 Esports को किसी भी तरीके से टॉप 3 में जाना पड़ेगा। पॉइंट्स उन्होंने ऑलरेडी निकाल रखे, किल्स काफी ज्यादा अच्छे उनके पास है। अब अगर एक चिकन डिनर ले सकते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आराम से क्वालिफाई कर जाएंगी, बट एक प्लेयर के नुकसान पे क्या A1 Esports ये चिकन डिनर यहाँ पे निकाल पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है और उनके सामने सबसे बड़े कांटे बन के हैं हमारे प्लेयर्स फ्रॉम टीम ब्लूबीज। ब्लूबीज की बात करें, नोवा एक्सिव कॉर्चन के प्लेयर्स पीछे हैं यहाँ पर। जुकु वो टायर बर्स्ट करना चाहते हैं, हमें लगा टायर बर्स्ट होंगे उस डायरेक्शन से। 6-9 को स्पॉट वो जरूर पता कर चुके होंगे कि यहां से पीछे से उनको गोलियां पड़ रही हैं। मीनवाइल 5 टीमें बची हैं, नोवा XQF अभी भी टॉप पर है, ब्लूबीज का स्क्वाड टॉप 16 के अंदर है, बट बाकी जो टीम है जिसके अंदर ये बाकी सारी जो 3 टीम है उनको टॉप 16 के अंदर जगह बनानी है। हर एक टीम के लिए कॉर्चन के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, टीम सीक्रेट के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, बट उनके पास उतने किल्स नहीं है जितने A1 Esports इस गेम से निकाल चुके हैं। शायद और निकालना चाहेंगे बट बीवी के लूफा जो थे वो मैट टॉय को फिनिश ऑफ कर चुके हैं। रेक्स बचे जरूर है बट इस मौके पर सबकी नजरें इस टीम के पास है जिनके पास बहुत सारी गाड़ियां है बट मूवमेंट कब देंगे सर्कल में वो? जी हाँ, ये एक सवाल बन जाता है, बट फिलहाल आज तो जोन का बेहतरीन नॉक थ्रू द स्मोक यहाँ पे पैराबॉल को डाउन कर लिया है। अब यही मौका है यहाँ पे A1 Esports का मूवमेंट निकालने का क्योंकि गॉडसेंड भी उनके साथ ही साथ मूव कर रही है। ब्लू बीज ने निकाल रखे 8 किल्स, नोवा XQF के ऊपर बहुत ही बेहतरीन प्रेशर डाल रखा है। ये आज तो जोन का अगर एक सुनहरा ग्रेनेड कनेक्ट कर सकता है नोवा XQF पे आखिरी प्लेयर किंग को भी फिनिश कर सकते हैं, बट नो रिवाइव यहाँ पे मिल चुके हैं, प्लेयर्स यहाँ पे हील अप जरूर कर जाएंगे बट गॉडसेंड ने भी अपने आप को सर्कल के अंदर स्थित कर लिया है। अब मूवमेंट दिखाना पड़ेगा A1 Esports को, क्या सही टाइम चलते सर्कल के अंदर आ पाएंगे? यस आ चुके हैं बट आए किसके नीचे हैं? ब्लू बीज के। अब ब्लू बीज अगर इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं दिक्कत में फंस सकते हैं, बट गॉडसेंड का ग्रेनेड जाता हुआ रॉल केस का इनफैक्ट एक ही ग्रेनेड से पूरी नोवा XQF की स्क्वाड को वाइप कर दिया, बट लूफा देखिए यहां पे गॉडसेंड के ऊपर कहर बरसा रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से बीबी का स्क्वाड यहां पर खेल जरूर रहा है। तीन टीमें बचती हैं, A1 Esports उन 3 टीमों के अंदर आ चुके हैं। ब्लू बीज के प्लेयर्स 9 किल्स निकाल चुके हैं, नोवा का 9 किल
सकता है, बट वो नहीं है, वो गॉडसन के प्लेस के पास गया। अब यहां पर रीव्स को स्पॉट किया जा चुका है, रीव्स के लिए पीक आउट करना मुश्किल होगा। रॉयल किस, ही कैन बी अ पोटेंशियल किल, एवन ईस्पोर्ट्स के प्लेस अगर वहां से मूव करते हैं, रॉयल किस को टेक डाउन कर सकते हैं। नेवी भी यहां पर ऊपर के एरिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट सर्कल, सर्कल किसी टीम के हिस्से में नहीं है, सर्कल किसी प्लेयर के हिस्से में नहीं है, सर्कल अलग ही कर्व बॉल्स दे रहा है यहां पे। जी हाँ, सर्कल किसी का भी सगा नहीं, बट अब देखना यह रहेगा कि सर्कल के अंदर कौन सी टीम पहले जाती है, कौन सी टीम अपने लिए अच्छा पोजीशन सिक्योर करती है, क्योंकि ब्लू भी इसको यहाँ पे एक ना एक स्क्वाड के साथ डील करना पड़ेगा। बट रेजी का प्यारा ग्रेनेड जाता हुआ, A1 ईस्पोर्ट्स के एक प्लेयर को ऑलरेडी डाउन कर चुका है। क्या सही टाइम चलते यहाँ पे, A1 ईस्पोर्ट्स अपने प्लेयर्स को बचा पाएंगे, क्योंकि गॉडसन के साथ फाइट करना पड़ेगा। सिनिस्टर समहाउ सर्वाइविंग, रॉयल किस को डाउन कर चुके हैं। हर एक किल पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक और किल इन्होंने सिक्योर कर दिया, बट कितने देर तक सर्वाइव करेंगे। 6-9 गोज डाउन टू ब्लूबीज के लूफा के द्वारा डाउट कर दिए गए। कितने देर तक, क्या ब्लूबीज यहां पे वाइप आउट कर देगी। सिनिस्टर आखिरी प्लेयर है, अभी इनको क्लच की सीना किसी तरीके से निकालना पड़ेगा, शॉट लेने की कोशिश, बट नो। इसी के साथ A1 ईस्पोर्ट्स हो चुके हैं इस गेम से बाहर, बट टॉप 3 फिनिश है। क्या ये इनफ रहने वाला है, फाइनली आ चुके हमारे टॉप 2 टीम्स की तरफ। डिवाइन देखिए गॉडसन के नेवी के बिल्कुल बगल में लेटे पड़े, रीव्स का ग्रेनेड जाता हुआ यहां पे लूफा की तरफ। आई तो चार ऑलरेडी डाउन है, बट डिवाइन ने यहां पे नेवी को भी डाउन कर दिया है। बीबी आखिरी अपना गेम बनाना चाहिए, डिवाइन आगे मूव कर रहे हैं, रीव्स को स्पॉट किया जा चुका है, उनको डैमेज पड़ रहा है सर्कल का। डिवाइन, उन्होंने काफी बेहतरीन गेम दिखाया।